ऑफ टेक्नॉलॉजी मधले कॉलेजमधले काही स्टुडंट आहेत जे रशियाला जाऊन आले आहेत. आपण त्यांना त्यांच्याबद्दल विचारूया की ते काय करायला नक्की तिकडे गेले आणि काय झालं. रशियामध्ये प्रोजेक्टसाठी गेलेलो, तिकडे जाऊन आम्ही रिसर्च केलेला आहे आणि तिकडे जाऊन आम्ही जो कल्चरल एक्सपोजर मिळालेला आहे, त्याच्यानंतर मग आम्ही तिकडे जाऊन जो प्रोजेक्ट केला त्याच्यामध्ये आम्हाला मेडल पण मिळालेला आहे. यशस्वी झालो आम्ही तिकडे आणि मेडल आम्हाला बेस्ट प्रोजेक्ट टीम म्हणून मिळालेला आहे. आणि तिकडे आम्ही मस्त जो एक्सपोजर कल्चरल एक्सपोजर होता त्याच्यानंतर मग आम्हाला तिकडे जे एक्सपिरियन्स मिळालेला आहे, एज्युकेशनचा जो एक्सपिरियन्स मिळाला आहे आम्हाला तिकडे. 28 मुलांच्या ग्रुपमध्ये दोन मुली होत्या. आपण याला विचारूया का की काय तिथे त्याचा अनुभव काय होता. माय नेम इज प्रशांत हंडेवाल, लाइक मैं यहाँ पे एपिशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. हम लोग सब लोग उरल फेडरल यूनिवर्सिटी गए थे जो कि रशिया में है, एकेटरिनबर्ग सिटी में. वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला. जो प्रोफेसर थे उनका टीचिंग गाइडेंस बहुत ही काम आया. वो वाला एक्सपीरियंस हम लोग को लाइफ टाइम रहेगा. आई एम सीरियसली थैंकफुल टू एपिशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो उरल फेडरल यूनिवर्सिटी जिन्होंने हम लोग को ये एक्सपीरियंस है, ये मौका दिया. हम लोग वहाँ पे जाके इतना एक्सपोजर ले पाए, इतना कल्चरल एक्सचेंज हो या फिर एजुकेशनल या फिर एकेडमिक जो भी एक्सपोजर मिला हम लोग को. आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी एंड टू माई कॉलेज. थैंक यू. यूजी फेलोशिप के अंदर हम लोग जब इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हम लोग को ज़्यादा मिला. यूजी फेलोशिप में हम लोग ने एपिशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यूरो फेडरल का जो कोलेबरेशन किए उसके बाद हम लोग वहाँ पर जब गए हम लोग गाइड्स मिले जैसे इरीना मानते हैं, ओलगा मानते हैं एंड हम लोग जो मैनेजमेंट थे उन लोग ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया. बेसिकली हम लोग वहाँ पे गए थे एक रिसर्च करने जहाँ पे एक पेपर प्रेजेंटेशन रिसर्च और इंटर्नशिप था. हम जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे उसमें हम लोग ने दो प्रोजेक्ट्स किए, एक डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और एक वाटर मैनेजमेंट का था. वाटर मैनेजमेंट ने यूरल जो लोकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो वहाँ पर पूरी सिटी का पानी सप्लाई करता है, हम लोग ने उनका एक्सकर्शन रखा था जो एक इंडस्ट्रियल विजिट एंड कैसे पानी क्लीन करता है. हमारा प्रोजेक्ट ये था कि इंडस्ट्रियल पानी को हम लोग कैसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें, बिकॉज हम लोग को इंडिया को एक मेन टारगेट था कि एग्रीकल्चर में हम लोग ज़्यादा यूज़ करें. माझा नाव रोहन शेट्टी है एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. सो द प्रोजेक्ट दैट वॉज गिवन टू अस वॉज रोबोटिक्स एंड वी बिल्ट अ रोबोट दैट विल बी यूज फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड इवन इन आर डे टू डे लाइफ लाइक फॉर टू फाइंड अ वे फ्रॉम ट्राफिक एंड एवरीथिंग. And the teaching over there at Ural Federal University is like, it is nice. Like they give us a practical, like they give us practical knowledge about day-to-day life, which we are a bit lacking in India. And other than that, I will say like those people are very helpful. The staff, the faculty over there were actually helping us at night, like what time, whatever time it may be. We'll call them and they'll help us or like help us and clear our doubts. And even thanks to our college, Apisha Institute of Technology, and our principal sir, Mr. Uttam D. Kolekar, and obviously our Faisal sir, who was our main mentor over there. Like he guided us and he gave us the opportunity to go outside India and explore the whole world. Hi, firstly I would like to thank my institute for giving us this opportunity wherein we are allowed to go there and do our project in our ideas and put in our ideas and innovations. Secondly, I would like to thank the Ural Federal University who gave us a wide spectrum of exposure, not only in the aspect of project but in various other aspects like cultural, academically and educationally. The third point I would like to mention is that the volunteers and the staff in Ural Federal University were very helping, were very caring and were supporting. We could ask them and we could ask for help and they were always ready to help. Now my other teammates will tell you about what they had their experiences. Hi, my name is Rishikesh Patil. आणि आता एक्सपिरियन्स शेअर करायचं म्हणलं तर आमचा प्रोजेक्ट होता इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटरचं रियूज आणि त्याचं ट्रीटमेंट. तर तिकडे गेल्यावर आम्ही ॲक्च्युली आमच्या डोक्यात आयडिया वेगळी होती की बाबा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर इंडियात आहे म्हणजे कोणत्या इंडस्ट्रीमधून जो वेस्ट वॉटर येतं त्यातले आपण हेवी मेटल्स जो जनरली जास्त असतात ते काढून आपण ते रियूज करू शकतो का ही आमची आयडिया होती. तर मग तिकडे गेल्यावर आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा आम्हाला असं असं म्हणजे प्रोजेक्ट करायचं की आम्हाला ते वॉटर रियूज केलेलं प्लांट्स किंवा ॲग्रिकल्चर यूजसाठी वापरायचं. तर मग त्यांनी खूप सपोर्ट केला म्हणजे त्यांनी सांगितलं की बाबा आम्हाला तुमचे रिडिंग्स वगैरे माहीत नाही म्हणून त्यांनी स्वतः आम्हाला सजेशन दिलं की तुम्ही असं करा हे मेटल जास्त असतात तुम्ही ह्याच्यावर हे करा असं म्हणजे काम करा. तर मग
आम्ही त्याच्यावर काम केलं आणि त्यांनी खरंच खूप आम्हाला हेल्प केली, आम्हाला खूप काही नवीन शिकायला मिळालं त्या युनिव्हर्सिटी मधून. त्यामुळे सलमान कुरैशी एंड मेरा एक्सपीरियंस रशिया में ऐसा था कि मेरा प्रोजेक्ट था रोबोटिक्स का. मुझे वहाँ पे जो सर थे हमारे ब्लैड मेलनिकोव, उनसे मतलब बहुत हेल्प मिली. थोड़ा सा कन्वर्सेशन का इशू होता था लेकिन देन उन्होंने फिर भी आउट ऑफ दैट उन्होंने वे निकाला गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू. हम लोग को बहुत हेल्प किया उन्होंने, जो भी उन्होंने समझाया समझ में आया ऐसा नहीं आया. और हम लोग का एक वो था मतलब उन्होंने एबीबी कंपनी का टैब था वहाँ पे लेके गए थे वो, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सिटी के बाहर था, वो सब सिखा रहे थे हमें. लेकिन वी गॉट टू नो एवरीथिंग, जो भी उन्होंने समझाया ऐसा नहीं कि नहीं सीखने मिला कुछ, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिला वहाँ पे. और दिस इज जस्ट बिकॉज एपीशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कोलैबोरेशन किया है यूरोपियन फेडरल के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई प्रोजेक्ट दैट इज वाटर रिसोर्स एंड वी. हम लोग ने वो जो प्रोजेक्ट किया उसके वजह से अगर आगे फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो इंडिया में जाके बहुत इंडिया में जाके बहुत हेल्पफुल होने वाला है. और वहाँ के वेदर के बारे में बात करेंगे, इट वॉज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी बारिश होता था, कभी भी ठंड तो हमेशा थी. वहाँ का 18 डिग्री वहाँ का समर था. सो इंडियंस के लिए बहुत इंडियन फूड के बारे में बात करेंगे. जैसे कि मैं वेज हूँ तो यहाँ से सोचे गया था कि वहाँ पे ज़्यादा खाने को नहीं मिलेगा या फिर नहीं होगा अच्छा, बट स्टिल वहाँ पे जो वेजिस थे, जो वहाँ का खाना था, जो नॉर्मल फूड, जो लोकल फूड है वो वहाँ का बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था. सो स्पेसिफिक. हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक रावल एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू रशिया फॉर समर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एट कुरल फेडरल यूनिवर्सिटी. Going there, I was very worried about how the people were going to be, how the professors were going to be. But I am very happy to report back here that everyone from the professors right to our management staff to our volunteers, everyone was so welcoming. Their hospitality was exceptional. The food was certainly better than what we expected. And the climate was so great that we, towards the end of our trip, we didn't really wish to come back. Guys, my name is Adesh Shah. And I was in Russia for a project whose name is Design of Bridge Train Trolley. मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा था. वहाँ के है जो पीपल है बहुत हेल्पफुल है और वहाँ पे जाने से है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोग क्रिएट करेंगे जो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेंगे और आप उसे पूरा दिल खुल के याद करेंगे. थैंक यू. अगस्त कम साल है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयरचा स्टूडेंट आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल मला आमचे प्रिंसिपल सर डॉक्टर उत्तम कोलेकर सर व आमचे डीपीओचे हेड सर मिस्टर फैजल खान सर यांना मला धन्यवाद करायचे आहे. आम्ही सगळे रशियाला जाऊन सगळ्यांनी प्रोजेक्ट्स केले. माझा प्रोजेक्ट डिझाईन ऑफ ब्रिज क्रेन ट्रॉली हा होता. नुसताच डिझाईन ऑफ ब्रिज क्रेन ट्रॉली हा प्रोजेक्ट न करून आम्ही इंटरनोकॉम म्हणून इंटरनॅशनल लेवलवरती एक पब्लिकेशन आहे, तिथे आम्ही हे सर्टिफिकेट मिळवले आणि एक जर्नल पब्लिश केले, रिसर्च पेपर पब्लिश केले. नुसतं एवढंच नाही, मला रशियाच्या क्लायमेटबद्दलही बोलायचं आहे. इथून रशियाला जाताना खूप लोक बोलले की तिकडे खूप थंडी आहे, असं आहे, जॅकेट्स घेऊन जावा, असं घेऊन जावा. तर बट मला तसं काही एवढी थंडी वाटली नाही, कारण तिथे समर चालू होता. बट समर पण तिकडचा खूप छान होता. 5 मिनिटात पाऊस पडेल, 5 मिनिटात कधी थंडी वाजेल, कधी पाऊस पडेल, कधी तिथे आणि तिकडचा पाऊस एकदम कमी असेल तर तिथे असं थंडरस्टॉर्म सारखे एकदम मेसेजेस यायचे. त्यामुळे खूप मस्त एक्सपिरियन्स होता. माझं नाव मयूर काळे आहे, मी एपीशा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा स्टुडंट आहे. मी रशियाला गेलो होतो युरल फेडरल युनिव्हर्सिटीमध्ये एक प्रोजेक्ट करायला. माझ्या प्रोजेक्टचं नाव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आहे. ते फक्त रशियासाठी नाही तर आपल्या इंडियासाठी पण खूप उपयोगी आहे. आणि प्रोजेक्ट व्यतिरिक्त आम्ही तिकडे खूप फिरलो ही कॉलेज युरल फेडरलने आम्हाला खूप सारे फिरण्याचे ऑपॉर्च्युनिटी पण दिले. जसं आम्हाला युरोप एशिया बॉर्डरवर फिरायला नेलं, तर म्युझियम्स वगैरे आम्ही बघितले तिकडे. आणि माय नेम इज जतीन, आय एम स्टुडंट ऑफ एपीसा अँड फॉर्च्युनेटली एनफ आय वेंट टू रशिया इन द युरोप फेडरल युनिव्हर्सिटी टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन अ ब्रिस्केन टोली. सो माय एक्सपिरियन्स इन रशिया वॉज वी डीड स्टडीज अँड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज फॉर्च्युनेटली एनफ वी वेंट टू मॉस्को फॉर 3 डेज. इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, इट इज अ ब्युटिफुल सिटी. And we saw many places. Hello everyone, my name is Chitin Saudari. I am from Epicha Institute of Technology, 4th year mechanical. I went
I'm thankful for APSHA Institute of Technology and the Ural Federal University for giving me the chance to perform a project in the Ural Federal University. I was working under Professor Konstantin Letner in the project Bridge Crane Trolley, where we even produce our research papers. The whole university was not just about the studies and academics, it was also about fun playing, and we explored a lot of city culture over there. We even went to the university arranged Nevian's tour for us. There we saw went into pottery design classes, and we even went to the Asia Europe border. It was an amazing experience. Basically, it was an experience for a lifetime, and I want such programs to be held again and again. My name is Yash Yadav. I am from APSHA Institute of Technology. My project was Bridge Crane Trolley. My professors there, he helped me a lot for this project. We not only studied over there, but there were many such things that we enjoyed, such as we saw Europe, Russia, Asia border over there, such as visited museum. And the climate, if I talk about climate of Russia, it was very awesome, such as their morning was longer and night was shorter. So this thing was very amazing for us. माझं नाव जयेश जाधव आहे. मी ॲक्च्युली एप्युशन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा स्टुडंट आहे आणि मी मेकॅनिकल डिपार्टमेंटमधनं आहे. आम्ही आता नुकताच आम्ही रशियाला जाऊन आलेलो फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम. आम्ही ॲक्च्युली तिकडे उरल फेडरल युनिव्हर्सिटी म्हणून एक कॉलेज आहे, आम्ही तिकडे गेलेलो आम्ही आमचा प्रोग्राम करण्यासाठी. मी ॲक्च्युली जो माझा फेलोशिपचा प्रोग्राम आहे तो मी डिझाईन ऑफ तुम्ही डिझाईन ऑफ प्लेस प्लेटचं आधीमध्ये कम्प्लीट केलेलं. अँड आणि आमचे प्रोफेसर ॲक्च्युली कॉन्स्टंटिन लेटने म्हणून होते आणि त्यांनी आम्हाला खूप हेल्प केली त्या प्रोजेक्टसाठी. आम्ही तिकडे आमची म्हणजे हा प्रोजेक्ट सोडून आम्ही अजून खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज केल्या. आम्ही तिकडे ॲक्च्युली एक फुटबॉल मॅच पण खेळलो मंगोलियनसोबत, सो ती आम्ही जिंकलो ॲक्च्युली 4-1. अँड आम्ही अजूनही लाईक आमच्यासाठी त्या लोकांनी एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम पण ठेवलेला आणि त्यामध्ये त्या लोकांनी आम्हाला खूप सॉर्ट ऑफ लाईक आम्हाला खूप ॲक्युलेट्स पण दिले, खूप ट्रॉफीज दिल्या. अँड आमच्यासाठी लाईक ते लोक ॲक्च्युली रडतसुद्धा होते, सो इट वॉज अ गुड थिंग फॉर अस, कारण का एवढी बॉन्डिंग ते लोक ठेवत होते आमच्यासोबत. सो हे सगळं लाईक आम्हाला एक्सपिरियन्स करायला खूप मजा आली. अँड आय स्टडी इन APSHA इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन मेकॅनिकल डिपार्टमेंट. When this college gave us the opportunity to go outside of India to study, it was very beneficial for me as well as my fellow classmates, college students. Instead of Russian students, we also met some other country students like Mongolian students, African students. We learned about their culture, their values, their ethics, which was very beneficial for us. I studied under Professor Gamble and my subject was design of utilization of organic solid waste, which was guided us by Professor Gamble, who was very helpful and he guided us in the right direction. And during the closing ceremony, it was very emotional for us to say goodbye, to say our farewell to them. Thank you. मी दोघीच मुली होतो आणि ऑब्व्हियसली आधी थोडं वाटत होतं की कसं होणार आहे, काय होणार आहे, बट विथ हेल्प ऑफ एव्हरी वन हिअर आम्ही खूप एन्जॉय केलं. अभ्यासाची तर वेगळीच एक्सपिरियन्स होता आमचा आणि डेफिनेटली थँक्स टू आर इन्स्टिट्यूट अँड आर सर्स हू ॲक्च्युली मेड इट पॉसिबल. I'm a student of APSHA Institute of Technology and I went to Russia for the project of automation of process lines. I'm a mechanical engineering student, so it was a great experience there. We really got good food as well and the people were very nice. The volunteers helped us a lot. The Ural Federal University and the professors were really amazing and helpful to us. आपल्या बरोबर फैजल खान सर आहेत, जे इथे हेड टर्निंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफिसर आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया की ते काय सांगतात रशियाबद्दल, त्यांच्या टूरबद्दल. ये बच्चों को हमने इसलिए प्रोवाइड किया है, हमारे बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन है APSHA इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी. यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी इन रशिया. इसका सिविल डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड.
एंड हमारा जो कोलैबोरेशन है ये स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च एक्सचेंज, साइंस एक्सचेंज, इसके थ्रू हमने बच्चों को भेजा. एंड मोटो बिहाइंड दिस इज के इंडिया के बच्चे सिर्फ इंडिया की नॉलेज के सीमित ना रहें, उनका कॉम्पिटिशन ग्लोबली हो, उनका कॉम्पिटिशन दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है उन्हें पता चले, वो जानने के लिए, वो पहचानने के लिए उनके लिए हमने एक कोलैबोरेशन किया. एंड ऑन रिजल्ट वी गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिविल डिपार्टमेंट फ्रॉम एपी साइंस कॉलेज स्टूडेंट एंड फर्स्ट प्राइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट टू एपी साइंस स्टूडेंट. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हमने बच्चों को चांस दिया, उन्हें मोटिवेट किया और उन्होंने उस चांस को ग्रैब करके 2 वीक के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिया. मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए, हमें उन्हें हर चीज़ में टोकना चाहिए. अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, बूस्ट करें, तो इंडिया के पास बहुत टैलेंट है और वो टैलेंट को जहाँ जाएंगे उस टैलेंट का अच्छे से अच्छा यूज़ करेंगे. सो आई प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एपीशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. स्टेडी आया है मैं दिन दर्जी. अभी हम लोग ने करंटली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का एक ऑल इंडिया लेवल का इंडिया इनोवेशन चैलेंज करके 2018 के एडिशन में कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था और हम लोग को उधर हम लोग रनर्स अप आए. 3 लाख का हम लोग को कैश प्राइज मिला. हम लोग का प्रोजेक्ट था जो पाइपलाइन हम देखते हैं, जो वाटर मेन्स पाइपलाइन है करंटली, तो उसमें जो लीक्स होते हैं करंटली बहुत सारे वाटर क्राइसिस है. सो जो लीक्स से जो वाटर वेस्ट होता है तो उसको स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारा प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइंस में वाटर लीक होता है उसको डिटेक्ट करता है और सेंट्रल सिस्टम को अलर्ट्स भेजता है. मेरा नाम दीपक जी है और हम लोग ये हमारा टीम मेंबर है. हम लोग ने रिप्रेजेंट किया था कॉलेज को एपीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हम लोग 10,000 आउट ऑफ 10,000 टीम हम लोग टॉप 30 में आए और टॉप 30 से टॉप 20 में आए. हम लोग ने कैश प्राइज जीता ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख कैश प्राइज जीता और 5 लाख का प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है. और स्पेशल थैंक्स टू अवर डीन सर, AMD सर एंड प्रिंसिपल सर एंड ट्रस्टी सर जो हम लोग को बहुत सपोर्ट किए. अरे ये प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे कॉलेज के डीन समीर सर, हमारे डिपार्टमेंट के HOD अतुल देशपांडे सर, हमारे गाइड प्रोजेक्ट गाइड सेल्विन फुर्टाडो सर और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल उत्तम कोलेकर सर. ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कॉलेज ने बहुत हेल्प किया है और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे कॉलेज के ट्रस्टी चिराग भाई शाह, प्रिंसिपल सर उत्तम गोलेकर सर, हमारे कॉलेज के डीन समीर नान्यवडेकर सर, हमारे डिपार्टमेंट के HOD अतुल देशपांडे सर और हमारे प्रोजेक्ट गाइड सेल्विन फुर्टाडो. ये सब के गाइडेंस के अंडर ही हम इतना आगे तक जा पाए. और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि एब्सेंट है तो मुमकिन है.